नमस्कार बच्चों, आज की हमारी कंप्यूटर क्लास में हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में चार्ट्स क्रिएट करना सीखेंगे। कोई भी डेटा जो हमने यहाँ पर तैयार करा है, उस पर हम किसी भी तरह का चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। आपको पता है कि चार्ट्स जो हैं वो तरह तरह के होते हैं। हो सकता है ये कोई लाइन चार्ट हो, बार चार्ट हो, या फिर आपने देखा कि जैसे अगर हमने एक पर्टिकुलर डेटा को डिवाइड करते हुए कुछ डेटा लिखा हुआ है, परसेंटेज में लिखा हुआ है, राइट, तो उसको हम पाई चार्ट में शो कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह के चार्ट्स आप बनाते आए हैं, और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में भी आपके पास टूल्स हैं जिनकी मदद से आप अलग अलग तरह के चार्ट बना सकते हैं। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, उस तरह का चार्ट आप प्रिपेयर कर सकते हैं। लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, और भी जो अलग अलग, जैसे आपको हॉरिजॉन्टल बार चार्ट देना है या किस तरह का देना है, आप उसमें जो जो डेटा है उस पर आप चाहते हैं कि बार चार्ट है, लेकिन आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से डेटा आपका अप एंड डाउन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें चार्ट्स के माध्यम से आप अपने डेटा को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। चार्ट्स जो हैं वो एक बहुत ही बेहतर तरीका होता है कि आप अपने जो डेटा है उसके अप्स एंड डाउन्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो चार्ट, इसमें हम जो डेटा हमने बनाया है या कोई और तरह का डेटा, हम जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, किसी भी तरह का चार्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो स्टेप रहती है वो ये है कि आपका डेटा आप प्रिपेयर कर लेंगे। जिस भी डेटा पर आपको चार्ट बनाना है, पहले आपका डेटा तैयार होना चाहिए। डेटा को सेलेक्ट करके आप चार्ट इंसर्ट करेंगे, और चार्ट इंसर्ट करने के बाद आप बताएंगे कि किस तरह का चार्ट आप बनाना चाहते हैं। तो अलग अलग चार्ट जो हैं वो अलग अलग तरह से डेटा को प्रेजेंट करते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके अनुसार आप चार्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसे अगर आपको बताना है कि ये पूरा जो है परसेंटेज कैसे डिवाइडेड है ना, तो आप पाई चार्ट बना सकते हैं। अगर आपको केवल एक लाइन से उसकी जो डेटा की ग्रोथ है वो दिखानी है, अप एंड डाउन दिखाने हैं, आप लाइन चार्ट बना सकते हैं, राइट। तो अलग अलग तरह के चार्ट आप यहाँ पर बना सकते हैं, और एक बार चार्ट बन गया उसके बाद भी आप उसमें किसी भी तरह के चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लाइन चार्ट बनाया है या बार चार्ट बनाया है, तो आप चाहते हैं कि उस पर जो भी डेटा है वो आपको दिख जाए। और जैसे कि आपको पता है कि दो एक्सेस होती हैं, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, तो दोनों एक्सेस पर लेबलिंग होनी चाहिए, किस रंग की होनी चाहिए, क्या फॉन्ट होगा, ये सब चीज़ें भी आप चार्ट का जो है फॉर्मेट वो बता सकते हैं, राइट। तो चलिए एक बार हम प्रैक्टिकली बना के देखते हैं कैसे कैसे चार्ट विजार्ड, हम यहाँ पे चार्ट विजार्ड की मदद से स्टेप बाय स्टेप चार्ट बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इंसर्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है चार्ट्स, एक पूरा ग्रुप है चार्ट्स का। तो कौन कौन से चार्ट्स बना सकते हैं? कॉलम चार्ट, ये देखिए यहाँ पर आप कॉलम चार्ट पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पे, ये विभिन्न प्रकार के 2D, 3D, सिलेंड्रिकल, कोन शेप एंड पिरामिड शेप कॉलम चार्ट्स आ रहे हैं। ये सारे कॉलम चार्ट्स हैं, आपको जैसा भी लेना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लाइन चार्ट, ये देखिए इस तरह के लाइन चार्ट आप बना सकते हैं। लाइन चार्ट में आप चाहते हैं जो वैल्यू है उसके अनुसार डॉट्स आ जाएं, तो आप ये वाला ले सकते हैं। सिंपल लाइन चार्ट चाहिए तो वो ले सकते हैं। इसके अलावा पाई चार्ट, पाई चार्ट में भी 2D पाई चार्ट, 3D पाई चार्ट, ये आपके पास अवेलेबल है, राइट। देन 2D बार, 3D बार, सिलेंड्रिकल, कोन, पिरामिड, इस तरह के बार चार्ट जो बनाए जाते हैं वो है। एरिया चार्ट, 2D एंड 3D एरिया चार्ट, तो ये टाइप का चार्ट भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा स्कैटर, स्कैटर में क्या होता है, जो वैल्यूज होती हैं उन पर डॉट लगा हुआ होता है ना, या फिर उनको लाइन से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो स्कैटर चार्ट बनाया जा सकता है।
और भी अलग अलग प्रकार के चार्ट्स हैं, जैसे कि स्टॉक, सरफेस, डोनट, बबल चार्ट, रेडार चार्ट। ये सारे अलग अलग लोगों के, अलग अलग जो प्रोफेशन है उनके हिसाब से, साइंटिफिक लोगों के हिसाब से, या जो भी है ना साइंटिस्ट के लिए काम में आता है, या अकाउंटिंग में अलग अलग तरह के चार्ट्स बनते हैं, फाइनेंशियल कैलकुलेशन में अलग अलग तरह के चार्ट्स बनाए जाते हैं। तो सारे प्रकार के चार्ट्स यहाँ पर हमारे पास हैं, कॉलम, लाइन, पाई। तो ये आपके पास अलग अलग चार्ट टाइप्स हैं। आप कॉलम चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, लाइन चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, पाई चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर बार चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये अलग अलग तरह के आपके पास चार्ट्स हैं, एरिया चार्ट। इसी तरह से अगर आपको स्कैटर वैल्यूज दिखानी है, आपकी इस तरह की हैं, तो स्कैटर चार्ट। तो ये अलग अलग तरह के चार्ट्स हमारे पास हैं, हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर चार्ट्स पे आप क्लिक करेंगे तो और भी तरह के चार्ट्स हैं, लाइक सरफेस चार्ट, डोनट चार्ट, राइट, बबल चार्ट एंड एटसेट्रा। तो बहुत तरह तरह के चार्ट्स हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके अनुसार अपना चार्ट टाइप सेलेक्ट करके अपना काम जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अपने डेटा को जैसे प्रेजेंट करना चाहें, जिस चार्ट के अनुसार आप कर सकते हैं, राइट। अब कैसे चार्ट बनाते हैं? सबसे पहले आपको डेटा सेलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको चार्ट बताना है किस तरह का चार्ट बनाना है, और फिर उसकी जो भी फॉर्मेटिंग है, या कहाँ आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपको एक्स एक्सिस पे क्या चाहिए, वाई एक्सिस पे क्या चाहिए, ये सब आपको बताना होगा, राइट। तो पहले हम एक चार्ट बनाकर देखते हैं, फिर चार्ट के बारे में और डिटेल में हम जानेंगे। तो डेटा हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा है, उसके ऊपर हम चार्ट बनाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास रोल नंबर, नेम, परसेंटेज, ये कुछ डेटा पड़ा है। तो चलिए हम इसके ऊपर एक चार्ट बनाकर देखते हैं। तो ये हमने एक बार के लिए तो सेलेक्ट करना है पहले हमें पूरा डेटा। ये डेटा हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया, राइट, डेटा सेलेक्ट कर लिया। अब आप इसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा चार्ट, या फिर आप यहाँ क्लिक कर दीजिए क्रिएट चार्ट। तो इससे क्या होगा, ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, इंसर्ट चार्ट का डायलॉग बॉक्स हमारे पास आ गया है। यहाँ पर अलग अलग तरह के चार्ट्स आ रहे हैं, कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्कैटर, स्टॉक, सरफेस, बबल, रेडार। तो आपको कौन सा बनाना है आप सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए हम लाइन चार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो लाइन चार्ट में भी देखिए अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं, आपको किस तरह का लाइन चार्ट बनाना है, ये वाला, ये वाला, किस तरह का बनाना है, राइट। सभी चार्ट्स में अलग अलग तरह का लुक आएगा। तो एक बार हम ये सेलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं। ये देखिए, ओके करते ही, ये देखिए, ओके करते ही हमारे पास यहाँ पर चार्ट बनकर आ गया है। कैसे बनाया हमने, सबसे पहले हमने डेटा को सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद हम इंसर्ट पर गए, वहां से हमने लॉन्च किया क्रिएट चार्ट का डायलॉग बॉक्स, और यहाँ हमने बताया कि हमें किस तरह का चार्ट बनाना है, और हमने ओके पे क्लिक किया, तो ये चार्ट हमारे पास बनकर आ गया। अब यहाँ पर ये देखिए अलग अलग स्टूडेंट्स का डेटा आ रहा है, और इसमें अलग अलग जो लाइंस आ रही हैं उन, वो हिंदी, इंग्लिश, साइंस, इन सब्जेक्ट्स को बता रही हैं। आप इसमें किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे स्विच टू रो कॉलम,
ये देखिए हमने किया तो क्या हुआ, ये ऊपर अभी हमने चार्ट सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए हमारे पास चार्ट टूल्स आ रहे हैं, चार्ट की डिजाइनिंग, चार्ट का फॉर्मेट, चार्ट का लेआउट, ये सब हम चार्ट बनने के बाद उसको अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। तो अभी तो यहाँ पे नीचे एक्स एक्सेस पर क्या आ रहे थे, बच्चों के नाम आ रहे थे, लेकिन अब सब्जेक्ट्स के नाम आ रहे हैं। हम चाहते हैं हम सब्जेक्ट वाइज देखें अगर कि किस सब्जेक्ट में क्या ग्रोथ कैसे क्या चल रहा है, तो वो हमें इससे पता चल जाएगा। राइट, यहाँ पर रोल नंबर के साथ बच्चों के नाम आ रहे हैं और इधर हमारा ये पूरा डेटा हो गया जिसमें ये बता रहे हैं कि हिंदी में कितने क्या मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, देन अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से ये चीज़ आ रही है। आप कभी भी इस चार्ट का टाइप, इसका डेटा या इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने कहा था अभी हमारे पास एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है, सब्जेक्ट्स के नाम। हम स्विच टू रो कॉलम, स्विच रो एंड कॉलम वाले इस बटन पर स्टूल पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए चेंज हो गया। अब एक्स एक्सिस पर हमारे पास स्टूडेंट्स के नेम आ रहे हैं और वाई एक्सिस पर आ रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स। राइट, तो अगर हमें ये चार्ट नहीं चाहिए तो इस चार्ट को सेलेक्ट करके हम डिलीट कर सकते हैं। राइट, मान लीजिए अगर आपको कोई और तरह का चार्ट चाहिए तो आप किसी और तरह का चार्ट भी बना सकते हैं। इंसर्ट पे क्लिक किया हमने और अब की बार हम कॉलम चार्ट बना के देखते हैं। ये देखिए ये कॉलम चार्ट आ रहा है और ये इसके अलग अलग फॉर्मेट्स आ रहे हैं। आपको ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट चाहिए या कलरफुल फॉर्मेट चाहिए, कौन से रंग का चाहिए वो आप बता सकते हैं। यहाँ पर भी एक्स एक्सिस पर स्टूडेंट्स के नेम आ रहे हैं। अगर आपको स्विच करना है, आप चाहते हैं एक्स एक्सिस पर क्या आए, सब्जेक्ट्स के नेम आए और स्टूडेंट इस तरह से आए। ये देखिए हिंदी में जो बच्चों के मार्क्स हैं वो इस तरह से आ रहे हैं। राइट, और अलग अलग सब्जेक्ट्स में मार्क्स दिख रहे हैं, उसके बाद टोटल दिख रहा है। जैसे अगर आपको टोटल और परसेंटेज नहीं चाहिए, मान लीजिए इसको हम एक बार डिलीट करते हैं, तो जैसे हमने केवल नाम और मार्क्स सेलेक्ट कर लिए, अब इस पर हम बनाते हैं चार्ट, कॉलम चार्ट बनाते हैं 2D। ये देखिए तो अलग अलग बच्चों के मार्क्स हमारे पास आ रहे हैं। अगर हम कर देंगे स्विच तो ये आप देखिए हिंदी में जो मार्क्स हैं अलग अलग स्टूडेंट्स के वो हमारे पास आ रहे हैं, इंग्लिश में कैसे क्या मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के वो आ रहे हैं, साइंस में मैथ्स में इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स आ रहे हैं। अगर हम सब्जेक्ट वाइज जैसे कि हम एवरेज पे बनाना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। ये देखिए ये एक चार्ट है, जब आप इस चार्ट पर क्लिक करेंगे तो चार्ट टूल्स जो हैं वो ऊपर ऐड हो जाएंगे और फिर आप चार्ट की डिजाइनिंग, चार्ट का लेआउट, उसका फॉर्मेट ये सब चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर कॉम्बिनेशंस हैं, आपको जो भी रखने हैं, आप क्या रखना चाहते हैं, कैसे रखना चाहते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। जो लिखा हुआ आ रहा है एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पर उसको भी चेंज कर सकते हैं। अब एक चीज यहाँ पर और मैं आपको समझाना चाहूंगी, जैसे ये चार्ट है ना, चार्ट पर हम क्लिक करते हैं, ये देखिए ये चार्ट सेलेक्ट हो गया। चार्ट सेलेक्ट होते ही ऊपर चार्ट से टूल्स जो हैं वो आ गए। अब यहाँ पर ये जो पूरा वाइट वाइट आपको नजर आ रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो ये देखिए इसके बॉर्डर्स पर आप ऐसे ड्रैग करके चार्ट को बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। ये हमारा पूरा चार्ट है, तो ये जो पूरा चार्ट है ये बॉर्डर्स आपको चार्ट के नजर आ रहे हैं, ये इसके अंदर जो ये पूरा चार्ट है इसको हम बोलते हैं चार्ट एरिया। क्या बोलते हैं ये, क्या है चार्ट एरिया। मैं आप इस चार्ट एरिया को आपको फॉर्मेट करके दिखाती हूँ। चार्ट एरिया पे राइट क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट चार्ट एरिया जो है वो शॉर्टकट मेन्यू में आ रहा है। चलिए इसमें मैं थोड़ा सा रंग भर के दिखा देती हूँ आपको ताकि आपको समझ आए। मैं इसमें येलो कलर फिल कर रही हूँ तो आपको पता चलेगा चार्ट एरिया किसको बोलते हैं। ये देखिए ये पूरा चार्ट एरिया है, ये जो येलो येलो दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज
चार्ट एरिया, और इस चार्ट एरिया के अंदर अब जो ये व्हाइट एरिया नजर आ रहा है इसको बोलते हैं प्लॉट एरिया। जिस जगह पर आपका चार्ट प्लॉटेड है, बनाया गया है, वो प्लॉट एरिया कहलाता है। इसमें भी एक रंग भर के दिखाती हूँ। राइट क्लिक करा, शॉर्टकट मेन्यू में आ रहा है फॉर्मेट प्लॉट एरिया, प्लॉट एरिया में एक कलर फिल करती हूँ ताकि आपको पता चले। क्लोज, ये देखिए ये पिंकिश कलर, जो ऑरेंजिश पिंकिश कुछ कलर दिखाई दे रहा है, ये प्लॉट एरिया है। राइट, क्या बोलते हैं इसको? प्लॉट एरिया। अब ये आपकी क्या आ रही है अलग अलग, ये सीरीज आ रही है, जैसे कि जो मार्क्स हैं अलग अलग स्टूडेंट्स के, वो आपको इन सीरीज में नजर आ रहे हैं। तो इन सीरीज को भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं, है ना। राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा शॉर्टकट मेन्यू में फॉर्मेट डेटा सीरीज। अब जैसे कि इसमें आपको कौन सा कलर फिल करना है, जैसे कि यहाँ पर चॉकलेटी कलर कुछ आ रहा है, आप चाहते हैं उसको ब्लैक कलर में कर दें। क्लोज करा, ये देखिए ये ब्लैक कलर फिल हो गया। ये कैसे फिल हो गया? क्योंकि हमने इस डेटा सीरीज को सेलेक्ट करके इसका कलर बदल दिया। चलिए इसको वाइट करके दिखाती हूँ मैं आपको। फॉर्मेट डेटा सीरीज, और आपकी बार फिल, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है फिल, और इसका कलर हमने कर दिया लेट से रेड करके दिखाती हूँ, या रेड तो ऑलरेडी एक है, चलिए वाइट लेके दिखाते हैं। क्लोज, ये देखिए ये जो वाइट नजर आ रही है सीरीज, ये हमने क्या करा है, फॉर्मेट किया डेटा सीरीज को, वाइट कर दिया। तो इस तरह से आप चार्ट एरिया, प्लॉट एरिया, इन सबको आप चेंज कर सकते हैं। ये ग्रिड लाइंस है, ये देखिए ये जो क्लिक करी है मैंने अभी, इनको कहते हैं ग्रिड लाइंस। आप इनको भी फॉर्मेट कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसमें लाल रंग की ग्रिड लाइंस लेके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये ग्रिड लाइंस हैं जो लाल रंग की अब दिखाई दे रही हैं। चलिए इनको और फॉर्मेट करती हूँ, ब्लैक कलर की लेके आपको बताती हूँ कौन सी है। ये जो आप ब्लैक कलर की दिखाई दे रही हैं, ये क्या है? ग्रिड लाइंस। इसी तरह से देखिए एक्स एक्सिस पर ये सब्जेक्ट्स लिखे हुए आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये हमारा क्या है, है ना, ये हमारा जो ग्रिड लाइन है, इसको भी हम फॉर्मेट कर सकते हैं इस एक्सिस को। ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। इस पे क्लिक करेंगे फॉर्मेट एक्सिस, ये देखिए इसमें हमने ये कलर फिल करा है, ये आपको नजर आ रहा है। तो ये ग्रिड हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है। राइट क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट एक्सिस, चलिए फिल करके दिखाते हैं। ये देखिए ये एक्सिस है, इनको हमने कलर चेंज कर दिया, है ना। तो चार्ट एरिया, प्लॉट एरिया, देन सीरीज, ये जो आपके जहाँ पर है ग्रिड लाइंस, ये ग्रिड लाइंस हैं, इनको आप चाहें तो हाइड कर सकते हैं। और एक और चीज़ है, ये लीजन कहलाता है, इसको हम बोलते हैं लीजन। राइट क्लिक करेंगे फॉर्मेट लीजन, इस लीजन में आपको कोई कलर भरना चाहें आप तो भर सकते हैं। ये देखिए ग्रे कलर हमने भरा, इसको बोलते हैं लीजन, जहाँ पर आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में क्या क्या डेटा आपका है उस तरह से वो डिस्क्राइब करने के लिए होता है। तो चार्ट जो आप बनाते हैं उसको अलग अलग तरह से फॉर्मेट करा जा सकता है। आपके चार्ट में जहाँ चार्ट पूरा है वो चार्ट एरिया कहलाता है, जहाँ आपकी डेटा सीरीज बनी हुई है वो प्लॉट एरिया कहलाता है। राइट, आपकी डेटा सीरीज आपके डेटा को बता रही है किस तरह से आपका ग्राफ या चार्ट आगे बढ़ रहा है, वो चीज़ आपको डेटा सीरीज से पता चलेगी। और एक लीजेंड हमारे पास होता है, जैसे कि मान लीजिए हम अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन के माध्यम से कुछ बता रहे हैं तो उनको डिस्क्राइब करता है। यानी कि जो हमारी सीरीज है, है ना, हमने जो एक्स एक्सिस पे मान लीजिए जैसे हमारे सब्जेक्ट्स के नेम आ रहे हैं, तो वो एक्सिस
हम फॉर्मेट कर सकते हैं, ग्रिड लाइंस को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये हमारे चार्ट के कंपोनेंट्स हैं, चार्ट एरिया, प्लॉट एरिया, ग्रिड लाइंस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लीजन, राइट। इन सब की डिजाइनिंग फॉर्मेटिंग आप अपने अनुसार कर सकते हैं, राइट। तो बच्चों देखा आपने, एक तरह का चार्ट हमने बनाया, चलिए अब कोई दूसरे तरह का चार्ट बनाएंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से आने के बाद हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। चलिए बच्चों क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हमने एक चार्ट बना के देखा जो कि हमारा बार चार्ट था। आप इसी प्रकार से किसी भी प्रकार का लाइन चार्ट है या पाई चार्ट है, कोई और तरह का चार्ट आप कैसा भी जैसा भी चाहें, अलग अलग आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं। इवन आप 2D या 3D चार्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए एक पाई चार्ट और हम बना के देखते हैं और उसको भी फॉर्मेट करके देखते हैं कैसे क्रिएट करा जाता है। तो थोड़ा सा डेटा हमें तैयार करना होगा। ये चार्ट हमारे समझ आ गया और इस चार्ट में हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे जब भी हम इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करने पे शॉर्टकट मेन्यू में भी हमें ऑप्शंस मिलेंगे, साथ ही साथ यहाँ देखिए ऊपर भी हमारे पास चार्ट टूल्स आ गए है ना। और इसकी डिजाइनिंग है वो हम कर सकते हैं, इसका जो लेआउट है वो हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। इसके हमारे पास एक तो चार्ट का टाइटल है, चार्ट का टाइटल आप कुछ देना चाहें तो वो दे सकते हैं। अभी यहाँ पे चार्ट का टाइटल नहीं आ रहा। एक्सिस टाइटल्स है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइटल्स क्या होंगे, वर्टिकल एक्सिस टाइटल्स क्या होंगे वो आप चेंज कर सकते हैं। लीजन, टर्न ऑफ लीजेंड, जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए चुन लिया टर्न ऑफ लीजेंड, ये देखिए अब लीजेंड नहीं दिखाई दे रहा। लीजेंड आ रहा था ना, जो कि हमारे डेटा को बताता है कि किस तरह से है, तो अब लीजेंड नहीं आ रहा। शो लीजेंड एट राइट, शो लीजेंड एट टॉप, टॉप पे दिखा सकते हैं। शो लीजेंड एट लेफ्ट, लेफ्ट में डाल सकते हैं, है ना। ये आप चीजें कर सकते हैं। डेटा लेबल्स, टर्न ऑफ डेटा लेबल्स, तो डेटा लेबल्स आपके टर्न ऑफ हो जाएंगे, नहीं दिखाई देंगे। आप चाहते हैं सेंटर में दिखाई दें तो सेंटर में आप देख सकते हैं। देखिए जो जो आपका डेटा है ना वो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि कौन सी बार कौन से डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे आपके एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स हैं 39,
है ना, फिर दूसरे के हैं 50 हिंदी में, है ना। तो ये यहाँ पे ये पूरा वो चीज दिखा रहा है, ये वाली रो जो है हमारी। फिर दूसरे सब्जेक्ट में मार्क्स यानी इंग्लिश में वो आ रहे हैं 38, 60, 60, 69, ये देखिए इस तरह से। तो ये मार्क्स लिखे हुए आ गए, ये किससे आए, हमारे। और अगर आप करेंगे इनसाइड एंड, ये एंड पर आ जाएंगे, तो सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। एक्सेस को भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं, दिखानी है नहीं दिखानी, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सेस अगर आप नहीं चाहते दिखाना, या वर्टिकल एक्सेस नहीं दिखाना चाहते, तो ये सब चीजें। इसी तरह से जो ग्रिड लाइंस हैं उनको आप, जैसे आपने ये करा, ये देखिए यहाँ से ग्रिड लाइंस चली गई, तो प्राइमरी हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस, मेजर ग्रिड लाइंस और माइनर ग्रिड लाइंस, इस तरह से दिखती हैं बारीक वाली बैकग्राउंड में। मेजर एंड माइनर ग्रिड लाइंस तो दोनों दिख जाएंगी। मेजर ग्रिड लाइंस तो क्या है, जो पूरे सेक्शन का आपका, जैसे आपका 80-100, 60-80, ये 20-20 का जो आपका सेट है उसमें है मेजर, और माइनर ग्रिड लाइंस आपके हर एक 5 पॉइंट पर है। नन कर देंगे तो कोई सी भी नहीं दिखेगी। ये देखिए प्लॉट एरिया को आप फॉर्मेट कर सकते हैं, नन, क्लियर, प्लॉट एरिया फिल, ये देखिए क्लियर हो गया, क्लियर प्लॉट एरिया फिल, यानी कि उसमें जो भी रंग भरा हुआ था वो हो गया क्लियर। शो प्लॉट एरिया तो अलग से दिख जाएगा, आप इसमें जो भी रंग भरना चाहें वो भर सकते हैं, राइट। मोर प्लॉट एरिया ऑप्शंस, तो फॉर्मेट प्लॉट एरिया आपके पास आ गया। जैसे अभी तक आप सॉलिड कलर फिल करते आए थे, आप चाहते हैं कि कोई मिक्सचर, दो कलर्स का मिक्सचर आप फिल करें, ये देखिए इस तरह से आप फिल कर सकते हैं। ये अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास, ये देखिए किस तरह से फॉर्मेटिंग हो रही है, राइट। तो ये आपका पूरा चार्ट है और इसको आप अपने अनुसार फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसा भी आप इसको लुक देना चाहें आप इसको दे सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे तब भी आपको ये सारी चीजें शॉर्टकट मेन्यू में नजर आएंगी। चेंज चार्ट टाइप, सेलेक्ट डेटा, डेटा आपने गलत सच चुना हुआ है मान लीजिए तो वो भी आप कर सकते हैं चेंज। चार्ट को मूव करना हो आप क्लिक करके इसको बड़ा छोटा कभी भी करना चाहें बड़ा छोटा कर सकते हैं, देखिए छोटा करना है छोटा कर दिया, राइट। तो इस तरह से चार्ट को आप अपने अनुसार कर सकते हैं। चलिए अब कुछ और डेटा बनाते हैं, एक नई वर्कशीट ले ली, और यहां पर मान लीजिए हम लिखते हैं लेट्स से, जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि इंडिया में हमारे किस तरह के फूड आइटम्स जो है, कौन से क्या कितना परसेंटेज उसका हमारे कंजम्पशन है, कंजम्पशन ऑफ फूड ग्रेन्स। मान लीजिए इसके ऊपर हम कोई चार्ट बनाना चाहते हैं, राइट। राइट, ये हमारा आ रहा है कंजम्पशन ऑफ फूड ग्रेन्स। अब यहां पर हमने फूड ग्रेन का जो नाम है वो लिख दिया, और यहां पर हमने उसका कंजम्पशन लिख दिया।
राइट अब यहां पर हम लिख रहे हैं जैसे कि वीट राइस और बाजरा कॉर्न मेज मान लीजिए ये सब हमने लिख दिया यहां पर और इसके ऊपर हम एक चार्ट बनाकर देखेंगे अब यहां पर हमें कंजम्पशन लिखना है तो मान लीजिए हमने वीट का लिखा यहां पर 67 और यहां पर हमारे पास जो टोटल है वो 100 आना चाहिए है ना हम परसेंटेज में लिख रहे हैं यहां पर तो यहां हमने हमने एक फंक्शन लगा दिया सम फंक्शन और इसको हमने दे दिया ये पूरा तो चलिए अब इसमें डेटा फिल करते हैं 67 वीट हो गया 20% हमारा राइस हो गया बाजरा हो गया हमारा 10% और ये देखिए मान लीजिए इस तरह से ये हमने एक सैंपल इस तरह से क्रिएट कर लिया अब इसके ऊपर एक पाई चार्ट बना के देखें चलिए बनाते हैं तो इंसर्ट पे क्लिक करेंगे इसको हम पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं पाई चार्ट बनाते हैं 2D पाई चार्ट ये देखिए चार्ट बनकर आ गया चार्ट को आप ड्रैग करके जहां कहीं भी रखना चाहें रख सकते हैं ये हमारा चार्ट है अब यहां पर ये किस तरह से ले रहा है फूड ग्रेन बता रहा है अलग अलग तरह के हमने हेडिंग सेलेक्ट करी थी तो हम डेटा को थोड़ा सा अलग चेंज करके देखते हैं ये देखिए अब हमने इसको केवल फूड ग्रेन और कंजम्पशन दिया है राइट ये देखिए हमारे पास ये डेटा सोर्स जो है उसका डायलॉग बॉक्स आ रहा है आप इसमें जो भी चेंजेस करना चाहें वो कर सकते हैं ओके करेंगे ये देखिए ये हमारा पाई चार्ट बनकर आ रहा है जिसमें कि हमें पता है कि ब्लू व्हाइट के लिए है रेड के लिए राइस है चलिए हम थोड़ा चेंजेस करते हैं जैसे मान लीजिए हमने वीट का परसेंटेज कर दिया 50 तो ये देखिए चार्ट में अपने आप चेंजेस आ रहे हैं है ना जैसे जैसे हम चेंजेस कर रहे हैं ये देखिए ये हमारा अब एक चार्ट बनकर आया है टोटल 100% में से हमने देखा है ना चलिए इसको हम कर देते हैं 45 और इसको हम कर देते हैं 15 अब देखिए तो यहां पर हमारा आ रहा है ब्लू कलर का वीट देन रेड में राइस ग्रीन में बाजरा देन ये कॉर्न आप किसी को भी चेंज करना चाहे चलिए कॉर्न को हम येलो से दिखाना चाहते हैं ये कॉर्न का है तो आप इस पर क्लिक करके फॉर्मेट डेटा पॉइंट ये क्या है डेटा पॉइंट मान लीजिए इसको मैं येलो कलर का दिखाना चाहती हूं तो येलो कलर सेलेक्ट कर लिया क्लोज इसको हम राइट क्लिक करेंगे ये देखिए तो कौन आ गया हमारा येलो कलर का ये वीट आ रहा है मान लीजिए वीट को अलग कलर देना है या राइस को जैसे मुझे तो इस पर डेटा पॉइंट पर आपको क्लिक करना है राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट करना है फिल सॉलिड फिल अब इसमें जो भी कलर्स कॉम्बिनेशन आप दिखाना चाहते हैं आप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग
मान लीजिए ये जो बैकग्राउंड है ये क्या कहलाता है, चार्ट एरिया, इसको फॉर्मेट करना है। राइट क्लिक करा, फॉर्मेट चार्ट एरिया, और इसके अंदर हमने कुछ भी कलर कॉम्बिनेशन जो हमें फिल करने हैं वो हम फिल कर सकते हैं। ये देखिए अब हमारा चार्ट इस तरह का नजर आ रहा है। मान लीजिए इसको हमें फॉर्मेट करना है, तो इसको भी हम फॉर्मेट कर सकते हैं राइट क्लिक करके। हमने यहां पे लेट से इसका ब्राउन कलर करना है, ये देखिए इस तरह से नजर आ रहा है। तो आप अपने मन मुताबिक चीजें चेंज कर सकते हैं। ये लीजेंड है, लीजेंड को मान लीजिए आप चाहते हैं कोई बैकग्राउंड देना, तो फॉर्मेट लीजेंड, इसके अंदर कौन सा रंग फिल करना है वो आप बता सकते हैं। लेट से हमें व्हाइट चाहिए, तो क्लोज कर दिए, देखिए व्हाइट आ गया है ना। ये यहाँ पर हेडिंग आ रही है, चार्ट का टाइटल बोलते हैं इसको। आपको इसमें कुछ चीजें लिखनी है, आप अपने हाथ से इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये चार्ट का टाइटल हो गया। इस चार्ट के टाइटल का भी कलर कॉम्बिनेशन और फॉर्मेटिंग आप अपने अनुसार कर सकते हैं। इसको कोई आप बॉर्डर लाइन देना चाहें तो वो दे सकते हैं। देन इसके अंदर कोई कलर फिल करना चाहें तो वो कलर आप फिल कर सकते हैं, राइट। किसी भी तरह के चेंजेस आप अपने मन मुताबिक कर सकते हैं। तो ये इस तरह से चार्ट बनाया जाता है, और यहाँ पे अलग अलग स्टाइल्स आ रही हैं। आप कभी भी अपने चार्ट का जो कंप्लीट स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। और भी बहुत तरह तरह की चार्ट स्टाइल्स हैं, आप इनमें से स्क्रॉल करके अपने पसंद की चार्ट स्टाइल ले सकते हैं। देखिए किस तरह से नजर आ रहा है, इसका जो लुकिंग है वो बिल्कुल अलग आ रहा है पहले वाले से, उभरे हुए से दिख रहे हैं हमारे ये, है ना, क्योंकि इसमें बॉर्डर्स और उनके साथ उन पे अफेक्ट्स वगैरह इस तरह से आ रहे हैं। तो ये अलग अलग चार्ट्स हैं, आप इंसर्ट पे क्लिक करके चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। चार्ट को जब भी आप सेलेक्ट करेंगे आपके पास चार्ट टूल्स आ जाएंगे। आप कभी भी चार्ट में कुछ भी चेंजेस जो आप करना चाहें, जैसे कि मान लीजिए ये जो चार्ट का टाइटल है इसको हमने सेलेक्ट किया, तो इसका कुछ भी आपको चेंजेस करने हैं आप चेंज कर सकते हैं। इसकी डिजाइनिंग, इसकी फॉर्मेटिंग आप अपने अनुसार कर सकते हैं। ये देखिए क्लिक करा और सेलेक्ट कर लिया कि भाई इस तरह का चाहिए, इसके अंदर कोई रंग फिल करना है रंग फिल कर दिया, नहीं करना जैसा भी आपको रखना है, इनका वर्ड आर्ट स्टाइल वगैरह वो सब आप अपने अनुसार कर सकते हैं। जिस भी चीज को आप सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए जैसे ये सेलेक्ट किया तो आप, और कभी भी आपको डेटा चेंज करना है, जैसे यहाँ पे हम आप देख रहे हैं मैं चेंज कर रही हूँ, तो चार्ट में ऑटोमेटिकली अपडेशन हो रहा है, राइट। तो एक बहुत ही चीज काम की ये भी है कि चार्ट का जो डेटा है उसके ऊपर आप, डेटा के ऊपर आपने चार्ट बनाया है, डेटा में कभी भी किसी भी प्रकार का आप चेंज करेंगे तो आपका चार्ट अपडेट हो जाएगा। तो आपको ये नहीं है कि दोबारा से चार्ट बनाना हो, चार्ट में जो भी डेटा आपका लिंक हो चुका है ना, ये जो चार्ट आपने बनाया है इस डेटा पे बनाया है, इस डेटा में जब भी आप कोई चेंजेस करेंगे आपका चार्ट अपने आप अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आप किसी भी तरह के चार्ट बना सकते हैं, और चार्ट बनाने के बाद भी आप उसमें किसी भी प्रकार का चेंज करके आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। और चार्ट के माध्यम से बहुत अच्छे से डेटा को एक्सप्लेन किया जा सकता है, जो डेटा का ट्रेंड है कि किस तरह से डेटा में अप एंड डाउन आ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, कैसे जो अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स हैं क्यों हिंदी के मार्क्स कम आ रहे हैं, ये सारी एनालिसिस चार्ट से बहुत आसानी से करी जा सकती है। तो चार्ट्स का अपना एक उपयोग है, और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में आप बहुत आसानी से चार्ट क्रिएट करके उसको बाद में कभी भी अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं। चलिए बच्चों आज समय पूरा हो गया है, आज की कक्षा में बस इतना ही, धन्यवाद।